हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में। इसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आपसे वो केमिस्ट्री के टॉप थ्री लेसन यानी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स एंड केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इन तीनों लेसन के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मल्टीपल फॉर्म में, उन सभी को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी को समझा दिया है। और उन सभी वीडियो में आपने अपना बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए फ्रेंड्स आपकी को तहे दिल से शुक्रिया। तो आज हम फ्रेंड्स केमिस्ट्री के फोर्थ लेसन यानी फ्रेंड जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी मेडिकल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत जितने भी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में आज अपने इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही विधिवत तरीके से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कल आपसे वादा किया था कि आज के दिन मैं आपसे के लिए थ्योरी क्लासेस लाऊंगा, बट फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सुबह से आज मैं ट्राई कर रहा हूँ, काफ़ी से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि काफ़ी सारी दिक्कतें आई। पता नहीं क्यों फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो हमारी थ्योरी क्लासेज वाली वीडियो थी वो इस समय चैनल पर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि वो वीडियो हमारी जो कह सकते हैं कि ढाई ढाई या तीन तीन घंटे की थी, तो इस कारण से हो सकता है फ्रेंड्स कि काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई, इस कार से नहीं अपलोड हो पा रहा है, या फ्रेंड्स कुछ देखते हैं और भी अदर दिक्कत होती है, तो पता नहीं क्यों फ्रेंड्स अपलोड नहीं हो पा रहा। और मैं फ्रेंड्स सुबह से ही ट्राई कर रहा हूं, काफी परेशान भी हो चुका हूं, लेकिन फ्रेंड्स अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है। तो मैं सोचा फ्रेंड्स कि किसी तरीके से उसे अपलोड करना ही करना पड़ेगा, और मैं देखता फ्रेंड्स कि कुछ और भी कह सकते उसके सोल्यूशन मिल जाए, तो मैं जल्द से जल्द ही अपलोड करूंगा। और यदि फ्रेंड्स नहीं भी होता है, कह सकते कि नहीं अपलोड हो पा रहा है फ्रेंड, तो मैं दोबारा बनाने का प्रयास करूंगा, और बहुत ही जल्द से जल्द आप फ्रेंड जो थ्योरी क्लासेज वाली वीडियो है उनको भी फ्रेंड्स कहने की अपलोड करता चलूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स कि आज हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने फ्रेंड्स क्वेश्चन को बताना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा कि फ्रेंड्स आज तो मैं कुछ आपसे को प्रोवाइड करा ही नहीं पाता, इसलिए फ्रेंड्स मैंने तुरंत इसे बनाना बहुत ही बेहतर समझा, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ ना सीखने से अच्छा है कि जब फ्रेंड्स हम कुछ सीख लेते हैं तो हम लोगों के लिए ज्यादा मायने रखता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं आने वाली थी, फिर भी मैंने फ्रेंड्स जस्ट अभी सोचा और तुरंत के तुरंत मैंने फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए बनाना कहते हैं कि स्टार्ट कर दिया, जिससे फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल जाए, कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिल जाए। और फ्रेंड्स सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि मैं आपको कहीं गुमराह कर रहा हूं या फ्रेंड्स किसी कहने के अलग कहने के डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन कहने की हमारे अवध यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, आगरा यूनिवर्सिटी में, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, और फ्रेंड जितने भी यूनिवर्सिटीज क्लासेज हैं हमारे जो यूपी से रिलेटेड है, उन सभी में बहुत ही बेहतर तरीके से पूछे भी गए क्वेश्चन है। तो इस कारण से फ्रेंड्स सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने तीन लेसन तक बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सीखा भी है। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स आप ही ध्यान देना कि हु डिस्कवर्ड प्रोनटोसिल एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट, यानी कह सकते हैं कि हु डिस्कवर्ड या फ्रेंड्स किसने खोज की प्रोनटोसिल की, या फ्रेंड्स प्रोनटोसिल की एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट, यानी कहने की एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में। तो ये फ्रेंड्स काफी हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोनटोसिल होता है फ्रेंड्स, क्या कि जो प्रोनटोसिल होता है इसकी फ्रेंड्स खोज आखिरकार सबसे पहले किसने की थी, एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में किस तरह के समझ में आ गया होगा कि प्रोनटोसिल की एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में आखिरकार सबसे पहले खोज किसने की थी, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है हैंस्ट, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है पॉल एलरिच, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है डोमेक, एंड उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है बेडनिंग। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि इन चारों ऑप्शन में या चेक करते फ्रेंड्स कि इन चारों कहने की बायोलॉजिस्ट में ऐसे हमारे कौन से कहते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन है जिन्होंने फ्रेंड्स कहते हैं कि प्रोनटोसिल की एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में खोज की थी। तो मैं फ्रेंड्स आपको इसका आंसर थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन आपसे को इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि फ्रेंड्स टाइमिंग बहुत कम है, और मैं सोचता हूँ कि बहुत ही जल्द से जल्द फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो काफी सारी बना दिया जाए या काफी सारे कहते हैं कि आपको क्वेश्चन समझा दिया जाए, क्योंकि जो फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम है वो भी फ्रेंड्स बहुत ही जल्द होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन यानी डोमेक है, यानी कह सकते हैं कि डोमेक ने फ्रेंड्स सबसे पहले प्रोनटोसिल को एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में फ्रेंड्स इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था और फ्रेंड्स सबसे अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है, आप लोग ध्यान देना बहुत ही अच्छे तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को सीखते हुए चलेंगे कि व्हिच मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लीड आइडेंटिफिकेशन, यानी कह सकते हैं कि व्हिच मेथड्स या फ्रेंड्स कौन सी विधि कैन नॉट बी यूज्ड जिसका प्रयोग नहीं किया गया है फॉर लीड आइडेंटिफिकेशन, फ्रेंड्स लीड आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे बेहतर ये भी क्वेश्चन था कि लीड आइडेंटिफिकेशन के लिए इनमें से ऐसी हमारी कौन सी मेथड से या फ्रेंड्स इनमें से हमारी ऐसी कौन सी विधि है जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है
वो फ्रेंड्स हमारा है रैंडम स्क्रीनिंग, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है नॉन रैंडम स्क्रीनिंग, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है हमारा फार्मोलॉजिकल एक्शन। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आप सभी इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि इनमें से हमारा कौन सा मेथड है जो फ्रेंड्स लीड आइडेंटिफिकेशन को कभी भी उसके लिए यूज नहीं किया जा सकता है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है, आप लोग ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, यानी फार्मा कहने की फ्रेंड्स ये लिखा गया है कि फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होते हैं इनका उपयोग या कैसे फ्रेंड्स इस मेथड का उपयोग कभी भी लीड आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं फ्रेंड्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए फ्रेंड्स इस कार से हिंदी और इंग्लिश दोनों इसलिए कंबाइन करके बोलता हूं जिससे फ्रेंड्स दोनों के दोनों जो कहने के हमारे स्टूडेंट हैं वो समझ में अच्छे तरीके से उनको भी आ जाए। उसके बाद फ्रेंड्स आप ध्यान देना कि हमारा तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि द प्रेजेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनी हार्मफुल साइड इफेक्ट इज, यानी कह सकते हैं कि द प्रेजेंस या फ्रेंड्स उपस्थिति एंड सिग्निफिकेंस या फ्रेंड्स महत्व ऑफ एनी हार्मफुल साइड इफेक्ट इज, यानी कह सकते हैं कि किसी भी दुष्प्रभाव कहते हैं फ्रेंड्स की प्रभाव या कहते हैं कि हानिकारक कहते हैं कि दुष्प्रभाव के कारण। तो जब फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किसी भी हार्मफुल जो साइड इफेक्ट होते हैं या फ्रेंड्स कहते हैं कि हानिकारक जो फ्रेंड्स कहते हैं कि दुष्प्रभाव कह सकते हैं होते हैं उनकी उपस्थिति और महत्व है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि किसी भी हार्मफुल साइड जो इफेक्ट होते हैं उनकी प्रेजेंस एंड उसकी कहते हैं कि जो फ्रेंड्स सिग्निफिकेंस है वो फ्रेंड्स होती है या फ्रेंड्स उसे हम आखिरकार क्या कहते हैं। या फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा अड़बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तभी फ्रेंड्स समझ में आप सभी को आएगा। कहते हैं कि आप लोग ध्यान देना कि मान लो फ्रेंड्स कोई एक हार्मफुल साइड इफेक्ट है, मान लो फ्रेंड्स कोई एक हानिकारक कह सकते हैं कि दुष्प्रभाव है जिसकी उपस्थिति और महत्व है, या फिर जिसकी उपस्थिति और महत्व है उसे फ्रेंड्स हम आगे का किस नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है पोटेंसी, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म, और उसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। मैं फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर टिक करूंगा जस्ट फ्रेंड्स ये फोन होने लगेगा जिससे फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नहीं दिख पाएगा, तो आप लोग ऐसे ही ध्यान देना। और जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन था कहने की पोटेंसी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन था टॉक्सिसिटी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन था मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन था फार्मुलेशन। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स आखिर का कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है टॉक्सिसिटी, यानी फ्रेंड्स टॉक्सिसिटी कह सकते हैं कि इसका फ्रेंड्स एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, फ्रेंड्स इसका कहने की राइट आंसर है। तो मैं ऐसा करता हूं फ्रेंड्स कि आपकी कोई तीन के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से मैं समझाने का प्रयास भी करूंगा कि फार्मालॉजिकल या फ्रेंड्स ये क्या लिखा फार्मालॉजिकल नहीं लिखा फ्रेंड्स ये लिखा फार्मेकोफोर, या फ्रेंड्स कहते हैं कि फार्मेकोफोर यानी फार्मेकोफोर वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, यानी कहते हैं कि जो फ्रेंड्स फार्मेकोफोर होता है इसको सबसे पहले फ्रेंड्स किसने डिफाइन किया था, या फ्रेंड्स सबसे पहले इसको फ्रेंड्स किसने परिभाषित किया था, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है पॉल इलिरिच, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है जेन कोरी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है हैंस, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है इमिल फिशर। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स फार्मेकोफोर होता है इसकी सबसे पहले डिस्कवरी या कहते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले इसको किसने डिफाइन किया था, या फ्रेंड्स इसे पॉल एलिरिच ने सबसे पहले डिफाइन किया था, या फ्रेंड्स जॉन कोरी ने इसके सबसे पहले डिफाइन किया था, या फ्रेंड्स हैंस ने सबसे पहले इसको डिफाइन किया था, या कहते हैं कि इमिल फिशर ने सबसे पहले इसे डिफाइन किया था। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा है पॉल इलिरिच, यानी कह सकते हैं कि फार्मेकोफोर को सबसे पहले कसने की पॉल इलिरिच ने कसने की डिफाइन किया था। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन था, और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन कौन सा है, और ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देना बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा और आप सभी को फ्रेंड्स समझ में आ भी जाएगा, आप लोग ध्यान देना कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोसिंथेसिस वाज फ्रेम्ड एंड फार्मुलाइज्ड बाय इलियास जेम्स कोरी फॉर व्हिच ही वन द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन, या फ्रेंड्स ये थोड़ा क्वेश्चन तो बड़ा है फ्रेंड्स, बस समझने का आप लोग प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोसिंथेसिस, यानी कह सकते हैं कि जो रेट्रोसिंथेसिस की अवधारणा है, जो रेट्रोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है, तो जिस फ्रेंड्स वहीं लिखा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोसिंथेसिस, यानी कहते हैं कि रेट्रोसिंथेसिस की जो
उदाहरण है वाज फ्रेम्ड एंड फॉर्मेलाइज्ड, यानी कह सकते हैं कि वाज फ्रेम्ड फ्रेंड्स वो तैयार की गई थी एंड फॉर्मेलाइज्ड यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उसे औपचारिक रूप दिया गया था बाय इलियस जेम्स कोरी। फ्रेंड्स कहते हैं कि बाय इलियस जेम्स कोरी के द्वारा फॉर व्हिच जिसके लिए ही वन द नोबेल प्राइज, फ्रेंड्स उन्होंने कहते हैं कि नोबेल प्राइज जीता फॉर केमिस्ट्री इन फ्रेंड्स रसायन विज्ञान में। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स जस्ट यही पूछ रहा है कि जो फ्रेंड्स रेट्रोसिंथेसिस की अवधारणा है उसको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया था या फ्रेंड्स औपचारिक रूप से उसे कह सकते हैं फ्रेंड्स बनाया गया था बाय इलियस जेम्स कोरी के द्वारा और जिनके कारण फ्रेंड्स उनको कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में फ्रेंड्स रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से कहते हैं कि सम्मानित भी किया गया था। तो फ्रेंड्स आखिर का कौन सा सन था, अगर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा समय था, क्या फ्रेंड्स 1975 में इनको फ्रेंड्स सम्मानित किया गया था या फ्रेंड्स 1990 में इनको सम्मानित किया गया था या फ्रेंड्स 1987 में इसको फ्रेंड्स सम्मानित किया गया था या फ्रेंड्स 1995 में इनको सम्मानित किया था। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है ये भी कभी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ऐसा कहता फ्रेंड्स काफी इसका आंसर जानते भी होंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं फ्रेंड्स आप ही को बताऊं बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे ध्यान देना बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी क्वेश्चन में आ भी जाएगा। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है 1990 यानी कैसे कि 1990 में इलियस जेम्स कोरी जी को नोबेल प्राइज के लिए फ्रेंड्स कहते हैं कि सम्मानित किया गया था। तो मैं ऐसा कहता हूं फ्रेंड्स आप ही को ये भी क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा छठवा नंबर क्वेश्चन कौन सा है, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी सिंपल सा है काफी अच्छा क्वेश्चन है कि व्हिच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय क्लार्क एंड गैडम, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में हमारी ऐसी कौन सी थ्योरी है जिनको फ्रेंड्स क्लार्क और गैडम जी के द्वारा कहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया था फ्रेंड्स विकसित किया गया था जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप ही को चार के चारों ऑप्शन नजर आ रहे होंगे जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है रेट थ्योरी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है ऑक्युपेंसी थ्योरी और उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है नेचर ऑफ फार्मोलॉजिकल एक्शन। यानी कह सकते हैं कि इन थ्योरी को आप ध्यान में देखते हुए ये बताइए कि इनमें से ऐसी हमारी कौन सी थ्योरी है जिसे फ्रेंड्स क्लार्क एंड गैडम जी ने सबसे पहले कहते कि इसकी फ्रेंड डेवलप किया था फ्रेंड्स सबसे अच्छे रूप से इसे डेवलप किया था। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो छठवां नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा है ऑक्युपेंसी थ्योरी। जो फ्रेंड्स ऑक्युपेंसी थ्योरी है इसे फ्रेंड्स क्लार्क और गैडम जी के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप भी किया गया था। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको छठवां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, देन फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी एक बार समझने का प्रयास करना कि हेक्सानॉल इज मोर फिजियोलॉजिकली एक्टिव देन, यानी कह सकते हैं कि हेक्सानॉल जो फ्रेंड्स हेक्सानॉल होते हैं इज मोर फिजियोलॉजिकली, फ्रेंड्स कहते हैं कि इज मोर का मतलब फ्रेंड्स बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से एक्टिव या फ्रेंड्स कहते हैं कि वो एक्टिव होते हैं देन की अपेक्षा या फ्रेंड्स किसकी अपेक्षा। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो हेक्सानॉल होते हैं वो शारीरिक रूप से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं किसकी अपेक्षा फ्रेंड्स वो सबसे एक्टिव होते हैं, क्या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि वो प्रोपैनॉल की कह सकते हैं कि प्रोपैनॉल की फॉर फ्रेंड्स आप लोग कह सकते हैं कि प्रोपैनॉल के कह सकते हैं कि तुलना में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं या फ्रेंड्स सॉर्बी कह सकते हैं कि सॉर्बिटॉल की तुलना में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं या फ्रेंड्स ग्लिसरॉल की तुलना में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं या फ्रेंड्स कहते हैं कि ब्यूटाइलडिहाइड की तुलना में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जो हेक्सानॉल होता है वो फ्रेंड्स किसकी तुलना में शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, क्या फ्रेंड्स वो प्रोपेनॉल की तुलना में होता है या फ्रेंड्स सॉर्बिटॉल की तुलना में होता है वो फ्रेंड्स ग्लिसरॉल की तुलना में होता है, फ्रेंड्स कहते हैं कि ब्यूटाइलडिहाइड की तुलना में सबसे ज्यादा किसने की एक्टिव होता है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सातवां नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी सिंपल सा क्वेश्चन था और मैं ऐसा कहता हूं फ्रेंड्स कि इसका आंसर आप भी जानते भी होंगे कि जो फ्रेंड्स सॉर्बिटॉल होता है इसकी तुलना में जो फ्रेंड्स हेक्सानॉल होते हैं वो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा फ्रेंड्स फिजियोलॉजिकली रूप से फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो एक्टिव होते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स काफी को हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हम लोग का आठवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, आप लोग ध्यान देना बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन में आपसे को समझाता हुआ चलूंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन, यानी कह सकते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो फ्रेंड्स एरोमेटिक यौगिक होते हैं प्ले या फ्रेंड्स कहते हैं कि वो कहते हैं कि प्ले होते हैं फ्रेंड्स कहते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल्स यानी कहते हैं कि अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करना कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही अपने कहते हैं फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण कहते हैं कि जो रोल होती है उसको फ्रेंड्स वो प्ले करते हैं बहुत ही अच्छे कहते हैं कि एक रोल को अदा करते हैं
हैं, जिसके अंतर्गत अपने वो कौन सी कसरत की केमिस्ट्री के अंतर्गत ऐसा करते हैं, क्या अपने वो कसरत की फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ऐसा करते हैं, या फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ऐसा करते हैं, या फ्रेंड्स फूड केमिस्ट्री के अंतर्गत ऐसा करते हैं, या फ्रेंड्स बायो केमिस्ट्री एंड मेडिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ऐसा करते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो किन के लिए बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल कसरत की प्ले करते हैं, क्या फ्रेंड्स वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए करते हैं, या फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए करते हैं, फ्रेंड्स फूड केमिस्ट्री के लिए करते हैं, फ्रेंड्स बायो केमिस्ट्री एंड मेडिकल केमिस्ट्री के लिए करते हैं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो आठवां नंबर क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप इसका आंसर जानती भी होंगी, क्योंकि फ्रेंड्स हम कौन सी कसरत की फ्रेंड्स लेसन को पढ़ रहे हैं, तो इंडोडक्टरी मेडिकल केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो फ्रेंड्स बायो केमिस्ट्री एंड मेडिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट अपना रोल कसरत फ्रेंड्स प्ले करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नौवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, आप लोग ध्यान देना बहुत ही अच्छे तरीके से, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज, यानी कैसे फ्रेंड्स कि नार्कोटिक का मतलब फ्रेंड्स होता है मादक, और फ्रेंड्स एनाल्जेसिक का मतलब हो सकता है फ्रेंड्स दर्दनाशक, फ्रेंड्स को ऐसा कौन सा मादक है जो फ्रेंड्स सबसे दर्दनाशक होता है। तो आप लोग ध्यान देना कि क्या फ्रेंड्स वो एस्पिरिन है, या कहते हैं फ्रेंड्स क्या वो एस्पिरिन है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि वो फ्रेंड्स कहते हैं कि इबुप्रोफेन है, या फ्रेंड्स हम कहते हैं कि मॉर्फिन है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स डिफ्लुएंसियल है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए ये बताएं कि इनमें से हमारा ऐसा कौन सा मादक है जो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा दर्दनाशक है, जो सबसे ज्यादा फ्रेंड्स कहते हैं कि दर्दनाशक होता है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो नौवां नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा है, तो वो फ्रेंड्स हमारा है मॉर्फिन, यानी कहते हैं फ्रेंड्स मॉर्फिन हमारा एक ऐसा कसरत की मादक पदार्थ होता है जो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा कसरत की एनाल्जेसिक होता है, फ्रेंड्स सबसे ज्यादा कसरत की दर्दनाशक होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा नौवां नंबर क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हमारा दसवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। मैंने फ्रेंड्स क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में इसलिए आप सभी को पढ़ा क्योंकि फ्रेंड्स मैं 15 या 16 मिनट के अंतर्गत आप सभी के जो लेक्चर थे इनको फ्रेंड्स कंप्लीट करना चाहता था, क्योंकि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि थ्योरी क्लास तो फ्रेंड्स लगातार अपलोड हो नहीं पाई, तो इसका फ्रेंड्स हो सकता है आप सभी को थोड़ा बहुत दिक्कत ली, इसके फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी आप से सॉरी बोल दे रहा हूं। फ्रेंड्स कुछ ना कुछ सीखने से अच्छा है कि यदि आप फ्रेंड्स थोड़ा बहुत भी कुछ ना कुछ नया यूनिक सीख जाएंगे तो फ्रेंड्स आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप लोग टेंशन ना लें, बहुत ही थ्योरी क्लास फ्रेंड्स आपकी की चलेगी, ऐसा फ्रेंड्स नहीं कि थ्योरी क्लास नहीं चलेगी, थ्योरी क्लास बहुत ही विधिवत तरीके से चलेगी फ्रेंड्स, सिलेबस भी आपका बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं कंप्लीट कराऊंगा, आप लोग टेंशन ना लेके फ्रेंड्स, क्योंकि टेंशन मेरा तो फ्रेंड्स कंप्लीटली मेरे ऊपर है, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे फ्रेंड्स आपकी की तैयारी बहुत ही विधिवत तरीके से करानी है। तो इसका फ्रेंड्स आप टेंशन ना लें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी क्लासेस भी चलेंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने जो लेक्चर बनाए फ्रेंड्स वो काफी लंबे होंगे, कम से कम 3-3, 4-4 घंटे के होंगे, या फ्रेंड्स एक एक लेसन को मैंने फ्रेंड्स एक एक कसरत के लेक्चर के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया गया था, और कम से कम फ्रेंड्स है कि 3 लेसन तक मैंने फ्रेंड्स लेक्चर बना डाली थी, कम से कम फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो नियर अबाउट मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि लगभग मैं आपको फ्रेंड्स बताऊं दूं तो नियर अबाउट फ्रेंड्स 10 घंटे के लेक्चर तीनों मिलाकर हो गए थे। तो इस कारण से फ्रेंड्स वो 10 के 200 घंटे के लेक्चर थे फ्रेंड्स वो प्रॉपर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, इस कारण से फ्रेंड्स काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं फ्रेंड्स जस्ट देखता हूं कि किस प्रकार से हो जाए जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स, के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, और मैं फ्रेंड्स जल्द से जल्द बनाने का प्रयास भी करूंगा, या फ्रेंड्स नहीं होता तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, आप लोग टेंशन ना ले, बहुत ही विधिवत तरीके से अपनी तैयारी करते हुए चलिए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, यानी फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है कि व्हिच ड्रग्स इज सेलेक्टिवली रिलीव्स पेन बाई एक्टिंग इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैं फ्रेंड्स इसे अनहाइड कर रहा हूँ, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि व्हिच ड्रग्स है फ्रेंड्स, इनमें से ऐसी कौन सी हमारी ड्रग का मतलब फ्रेंड्स दवा होता है, तो इनमें से हमारी ऐसी कौन सी ड्रग है फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी दवा है इज सेलेक्टिवली, जिसे फ्रेंड्स चुनिंदा रूप से रिलीव्स है फ्रेंड्स, कहते हैं कि रिलीव्स पेन बाई एक्टिंग इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स रिलीव पेन है फ्रेंड्स, कहते हैं कि जो दर्द होता है उसको फ्रेंड्स राहत देता है, आराम देता है by acting in the central nervous system, यानी कहते हैं कि central nervous system में acting करता है, central nervous system में कह सकते हैं कि कार्य करता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि निम्नलिखित में हमारी ऐसी कौन सी दवा है, या निम्नलिखित में हमारी ऐसी कौन सी ड्रग है जो फ्रेंड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी फ्रेंड्स केंद्रीय कसने के तंत्र का कोशिका में कार्य करकर फ्रेंड्स कहते हैं कि हम लोगों को राहत देती है, फ्रेंड्स कहते हैं कि आराम देती है, तो क्या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि वो एनाल्जेसिक है, आपको आप नजर आ रहे होंगे, क्या फ्रेंड्स को कहते हैं कि एनाल्जेसिक है, आप लोग ध्यान देना कि क्या फ्रेंड्स एनाल्जेसिक है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि एंटीपायरेटिक है, या फ्रेंड्स एंटीफंगल है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि एंटीबैक्टीरियल है। तो आप लोग जरूर से जरूर इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इन सभी में से फ्रेंड्स कोई एक जो इसका राइट आंसर है उसे फ्रेंड्स बताने का प्रयास करें।
तो देन फ्रेंड्स हमारा जो दसवां नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा एनल्जेसिक है। फ्रेंड्स एनल्जेसिक कैसे थे फ्रेंड्स हमारा एक ऐसा ड्रग्स होता है जस्ट फ्रेंड्स मैंने आपको बताया भी था कि जो एस्पिरिन है फॉर फ्रेंड्स जो मॉर्फिन है वो फ्रेंड्स हमारा एक कसने के एनल्जेसिक कैसे थे कि नार्कोटिक होता है। और ये फ्रेंड्स कैसे थे कि जितने भी कसने की दर्द को नाशक फ्रेंड्स ये दर्दनाशक दवाइयाँ होती हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जस्ट वही क्वेश्चन फ्रेंड्स फिर से नीचे आ गया कि निम्नलिखित में हमारी ऐसी कौन सी दवा है जो फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम में कैसे थे कि कार्य करके फ्रेंड्स हम लोगों को बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स राहत प्रदान करती है फ्रेंड्स आराम है। तो फ्रेंड्स एनाल्जेसिक होगी या फ्रेंड्स दर्दनाशक होगी। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स काफी को दसों के दसों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो फ्रेंड्स समझ में आ गया हो तो प्लीज अंकित लेक्चरर और बीएससी क्लासेस दोनों के दोनों चैनल को करने के प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि फ्रेंड्स दोनों चैनल पर सेकंड सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही विधिवत तरीके से कराई भी जा रही है और फ्रेंड्स आप भी देख रहे हैं कि मल्टीपल फॉर्म में तो फ्रेंड्स अभी कराई ही जा रही है। मैं फ्रेंड्स बहुत ही जल्द से जल्द जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों के मल्टीपल फॉर्म क्वेश्चन कवर करूंगा। उसके साथ ही फ्रेंड्स उसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैं इस बार उनका कसने फ्रेंड्स आंसर लिखने के साथ साथ फ्रेंड्स उन सभी का थ्योरी क्लासेस भी चलाऊंगा। और आपके लिए थ्योरी क्लासेस तो फ्रेंड्स टेंशन ना लें क्योंकि फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेस मैंने बहुत ही विधिवत तरीके से काफी सारी वीडियो बना रखे हैं तो आप लोग टेंशन ना लें। मैं फ्रेंड्स इस कार से नहीं अपने कंप्लीटली अपलोड कर पा रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही लंबा हो गया जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया भी तो आप लोग दिक्कत ना लिए बहुत ही जल्द फ्रेंड्स अपलोड भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपकी को वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा और समझ में आ गया हो फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।